सिमडेगा का संजू प्रधान मॉब लिंचिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संजू प्रधान की पत्नी ने न्याय के लिए अब राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी के साथ संजू प्रधान की पत्नी ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। सपना देवी ने राज्यपाल को घटना की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कैसे भीड़ ने घर से निकालकर उसके पति की पिटाई की और फिर बाद में उसे जिंदा जला डाला। उसने राज्यपाल से मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। लिंचिंग की सियासी लपटें, राजभवन तक पहुंची सियासी लपट। सिमडेगा में संजू प्रधान की लिंचिंग के बाद से ही सिमडेगा का बेसरा जारा एक सियासी रणनीति का केंद्र बन गया। मॉब लिंचिंग की घटना के बाद एक कई नेता सिमडेगा के बेसरा जारा पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब पीड़ित परिवार बीजेपी विधायक अमर बाउरी के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मिला। संजू प्रधान की पत्नी इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई, क्या कहा उन्होंने सुनिए, सुनना जरूरी है। ले गया और खड़ा भी नहीं हुए थे मेरा हस्बैंड ठीक से, और ग्राम प्रधान मारने के लिए स्टार्टिंग किया और पूरा 500 का जो भीड़ आई थी ना, 500 से प्लस, वो सारे उस पर टूट पड़े। प्रशासन और पुलिस भी थी, वो लोग का पैर पकड़ पकड़ के हम गिड़ गिड़ आए कि बचाइए ना सर बोल के, हवा फायरिंग कर दीजिए ना सर बोल के वो लोग को बोले, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना था। अब आप ही लोग बताइए कि हमको पुलिस पे कैसे भरोसा करें, न्याय दिला सकेगी पुलिस? बिकसल कुंगाड़ी गए हुए थे शायद, पूरा पब्लिक को वही भड़काए थे, यही लोगों के हाथ है विधायक का ही, इसीलिए जानबूझ के मरवाया है। वो विरोध करते थे गोकसिया को लेके, इसीलिए शायद मरवा दिया। बिकसल कुंगाड़ी और मिलते भी थे और विधायक ही करवाया है हमको, तो ये तो वो पक्का लग रहा है क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में हुई है, तो हम कैसे विधायक को शक ना करें, आप ही लोग बताइए। और सीबीआई जांच कड़ी से कड़ी करे, यही मेरे दरख्वास्त है। पीड़ित परिवार के आरोप, हत्या के पीछे कोलेबीरा विधायक बिकसल कोंगाड़ी का हाथ, ग्राम प्रधान के इशारे पर संजू प्रधान की लिंचिंग, पुलिस तमाशबीन बनी रही, संजू को पीटा जाता रहा, पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। मिलना है पीड़िता, मिलना चाहती है, उसको न्याय मिले और सीबीआई की जांच हो, और इस गंभीरता से आप भी परिचित हो, तो उन्होंने आज इनको कॉल किया था, बुलाया था और हम लोग मिले अभी जा करके, और आप देखेंगे ये पूरी घटना को। भाई एक महिला है जिसकी शादी शिवरात्रि महाशिवरात्रि के उत्सव पर मार्च कर शादी होता है, पिछले साल अभी एक साल भी नहीं हुआ है 2021 में, और जिसके पेट में 3 महीने का गर्भ रहता है, पूरी बातों को ठीक से नहीं बता पा रही है, कुर्सी दबाव में भी है, थोड़ा सा ऐसा है कि इतना बड़ा घटना, जघन्य घटना, इसकी आंखों के सामने इसके पति को मार दिया गया, मार मार के जिंदा जला दिया। विधायक बिकसल कुंगाड़ी ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है, बिकसल ने इसे बड़ी साजिश बताया है। सीबीआई जांच हो और भाजपा अगर भ्रमित है तो उस पर जो बयान देने वाले सभी उनके पदाधिकारी हैं पूर्व, तो है उन पर कार्रवाई भी हो। शासन तो फेल हुआ, शासन किस तरह की घटना को रोकने के लिए अभी अभी बनाए, चूंकि भाजपा इस तरह की घटना को संरक्षण देता था, बढ़ावा मिल रहा था, इसीलिए किस तरह 1 बजे करीब आपको फोन आया था, आप 1 बजे से पहले मुझे आया था, उस समय आप चाहते तो उस ग्राम सभा को स्थगित करा सकते थे, क्योंकि आप सुनिए, ग्राम सभा ग्राम प्रकार की बैठक मेरा बात सुन नहीं होनी, मेरा बात सुनिए, कोविड काल में किसी प्रकार की बैठक ग्राम सभा का मुझे जानकारी नहीं था जी। मुझे जानकारी दिया गया कि फिर से वो आदमी लकड़ी काट के बेच दिया है, और वन विभाग देखिए नहीं सुन रहा है, हम लोग फोन किए सबको, आप भी डीएफओ को बोलिए, और मैंने डीएफओ को उसका जानकारी दिया, और क्या कार्रवाई की डीएफओ, उसके बाद कैसे घटना घटा ये मैं नहीं जानता। वहीं विधायक बंधु तिर्की भी बेसरा जारा पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, पूरा घर घूमा, घटनास्थल का भी जायजा लिया। वो कोलेबीरा चली गई है, लेकिन जो भी घटना हुई ये निश्चित रूप से बिल्कुल दर्दनाक और निंदनीय है। इसमें जितना भी निंदा किया जाए कम है, जहाँ तक सवाल है कि भाई तो आपका प्रशासन इस पर जांच भी कर रही है, और
निष्पक्ष इस पर जांच भी होनी चाहिए, और चूँकि जो मामला तो आपका निश्चित रूप से मॉब लिंचिंग का बनता है, तो इस परिस्थिति में जांच अभी चल रही है और सही तरीके से जांच हो और पीड़ित को न्याय मिले, हम यही कहेंगे। मॉब लिंचिंग के इस मामले पर सियासत गर्म, जो भी हुआ वो सभ्य समाज में कहीं से भी कबूल नहीं है। इस मसले का सच तो सामने आना ही चाहिए। रांची से राकेश के साथ सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।